रोजाना सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह। और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है, क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात करेंगे, कई राज्यों में प्रकृति का कहर है, राहत और बचाव कार्य तेज हुए हैं, किस तरह से चल रहे हैं राहत और बचाव कार्य, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे राहुल गांधी का केजरीवाल मॉडल प्रचार, आखिर किस तरह से ये केजरीवाल मॉडल प्रचार है। ईडी की रेड को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है राहुल गांधी ने और बीजेपी इसको लेकर हमलावर हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात होगी नीट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पत्र के छपने से लेकर उसे एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने में और उसके बाद तक एसओपी बनाने के लिए कहा है, तो क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से अदालत ने इसको देखा है, इस पर भी बात करेंगे। और बात होगी कि शांति की राह पर चला है मणिपुर, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जिरिबाम में शांति के लिए बैठक हुई है, तो इस पर भी बातचीत करेंगे। मणिपुर में शांति की ओर बढ़े हैं कदम, ये बेहद महत्वपूर्ण है, किस तरह से वहां पर अमन की उम्मीद जगी है, इस पर भी होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद का बजट सत्र जारी, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा, लोकसभा अध्यक्ष ने दी ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसले को बधाई। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए एसओपी तैयार करे उच्च स्तरीय समिति, 30 सितंबर तक का दिया समय, कहा गड़बड़ी सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित, पूरी परीक्षा की शुचिता पर नहीं हुआ असर। ईडी पर राहुल गांधी की पोस्ट को लेकर बीजेपी हमलावर, बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप, पूछा अगर चोरी नहीं की है तो डर किस बात का। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर की बात, बारिश के कारण आई तबाही पर ली विस्तृत जानकारी, वायुसेना के MI-17 और चिनूक के जरिए केदारनाथ मार्ग पर फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, खराब मौसम के कारण रोकी गई केदारनाथ धाम की यात्रा। और आफत की बरसात से सहमा हिमाचल प्रदेश, बादल फटने की घटनाओं में 54 लोग लापता, शिमला के रामपुर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बहे कई मकान, स्कूल और गाड़ियां। वायनाड में बेली ब्रिज पूरी तरह चालू होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और तट रक्षक जहाज अभिनव भी तैनात, 250 के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, सैकड़ों अब भी लापता। और मणिपुर में अमन की उम्मीद, कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों में ने शांति वार्ता के लिए बढ़ाए कदम, दोनों पक्ष जिरिबाम जिले में सुरक्षा बलों को सहयोग करने को तैयार, सरकार बोली स्थिति सामान्य होगी ये पहला कदम। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक आपदाओं का, कई राज्यों में प्रकृति का कहर बरपा है, राहत और बचाव कार्य तेज किए गए हैं, किस तरह से केरल से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक ये आफत की बरसात आई है, किस तरह से ये जो राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा 250 के करीब पहुंचा है, ये वायनाड की बात हो रही है, अभी ये आंकड़ा और बढ़ने के आसार हैं। बेली ब्रिज पूरी तरह से चालू हुआ है, राहत कार्य और तेज होगा इस बेली ब्रिज के बन जाने से, क्योंकि जो राहत की सामग्री है वो
दूसरी तरफ लाई जा सकी है ब्रिज के जरिए। भूस्खलन के आसपास को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कुल 40 खोज के दल जो है वो तैनात किए गए हैं और लगातार ये जो अभियान है वो जारी है। मलप्पुरम जिले में चलियार नदी के निचले हिस्से में भी तलाशी अभियान को तेज किया गया है, ताकि वहां पर अगर कोई शव पहुंचा हो या कोई राहत की अगर बात हो तो राहत दी जा सके। चिनूक 3 टैंकर, ATF और तटरक्षक दल के जहाज अभिनव तैनात किए गए हैं। NDRF, SDRF की अतिरिक्त टीमें राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। सैकड़ों स्वयंसेवक सहायता प्रदान करने के लिए आगे आए हैं इस मुश्किल के वक्त में। ये एक अच्छी बात देखने को मिली है। फ्रंट लाइन में मेडिकल, भोजन और पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है स्वयं सेवकों के द्वारा भी। स्वयंसेवक त्रासदी में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में दे रहे हैं मदद, क्योंकि ये बड़ी त्रासदी है। और RSS की सेवा भारती टीम वायनाड में लोगों की सहायता में लगातार जुटी हुई है। RSS की सेवा भारती टीम भी इस यहां पर पहुंची है मौके पर, और 1000 से ज्यादा RSS के स्वयंसेवक वायनाड के राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। भारी बारिश से उत्तराखंड में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वायनाड के बाद अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां भी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। भारी बारिश आई है, बादल फटने से कई लोगों की मौत हुई है और आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री ने। आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। आपदा प्रभावित लोगों का मुख्यमंत्री ने हाल जाना है और लोगों से मिले हैं, किस तरह से जो कार्रवाई चल रही है उस पर भी अपडेट लिया है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है और उनको हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। कहा राज्य के लोगों के साथ केंद्र सरकार खड़ी है और हर मुमकिन मदद जो है वो उत्तराखंड में दी जाएगी। केदारनाथ पर मार्ग पर फंसे यात्रियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है और भारी बारिश की वजह से केदारनाथ की ये जो यात्रा है उसको 2 दिन के लिए स्थगित किया गया है। भारतीय सेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भी इस काम में जुटे हुए हैं। जोशी मठ क्षेत्र में गुलाब कोटी के पास का अवरुद्ध सड़क मार्ग अब खुल गया है। काफी प्रयासों के बाद इसको खोला गया है। केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर कई जगहों पर अभी भी यात्री फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। 2200 से अधिक यात्रियों को अब तक निकाला जा चुका है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां बादल फटने से तबाही मची है, जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। खासतौर पर शिमला के रामपुर में भी ये नुकसान पहुंचा है। बादल फटने की घटना में पावर प्लांट और डिस्पेंसरी ध्वस्त हो गए हैं। NDRF की टीमें लोगों को बचाने के लिए दिन रात काम में जुटी हुई हैं। बादल फटने से मलाड़ा पावर प्रोजेक्ट का बांध टूट गया है। कुल्लू में मकान और मंदिर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तो वायनाड में राहत जो राहत और बचाव कार्य है वो लगातार जुटे हुए हैं। पैरा जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर अर्जुन सेंगन ने कहा है कि कल शाम लगभग 6 बजे तक उन्होंने एक पुल जो था वो उसको पूरा कर लिया और ये ऐसा क्षेत्र है जहां भूस्खलन का ये स्रोत है और उसके आगे 500 मीटर तक बस्ती है। क्या कुछ कहा उन्होंने, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आइए उनको सुनते हैं। तो आज इस ऑपरेशन का, सर्च ऑपरेशन का 4th दिन है। कल शाम 6 बजे हमारा जो बेली ब्रिज है 24-ton लोड क्लासिफिकेशन वो हम थ्रू कर चुके हैं और उससे अभी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पहुँच पाए हैं। ये पुंजरी मट्टा है जो कि एक इस लैंडस्लाइड का जो एक्सट्रीम अपस्ट्रीम जो एरिया है इसके आगे तकरीबन और 500 मीटर 1 किलोमीटर तक जहाँ लोग बस रहे थे उधर डैमेज हुआ। आज हम इस एरिया को हमने और तफसील से और गहराई से सर्च कर रहे हैं। इसको हम 6 जोन्स में बांट दिया है और जो जो फोर्सेस आए हैं उनको हमने अपने अपनी जिम्मेवारी का इलाका बांट दिया है। अभी हमारे पास कुछ एक और साधन है सर्च करने के लिए, जैसे ट्रैकर डॉग, ये स्निफिंग डॉग्स और मिल गए हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट और आ गया है। तो ये थी वायनाड की बात और उत्तराखंड में भारी बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है और बादल फटने की वजह से अभी तक कई लोगों की
मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही आपदा प्रभावितों का हाल भी जाना है। क्या कुछ कहा उन्होंने इस मौके पर, आइए आपको सुनाते हैं। जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है, 5000 किया गया। और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1000 के लगभग लोग धाम पर हैं और मौसम यदि ठीक रहता है तो आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। माई भी वहाँ से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है, अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। केंद्र की सरकार आपदा के समय समय साथ में है, जैसा कि उन्होंने बताया। अमित शाह गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात भी की और कहा कि जिन भी ख़ासतौर पर जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि राज्य की जनता के साथ वो खड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से मची भारी तबाही में अब तक जानमाल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और राज्य में बचाव कार्य लगातार जारी है। ख़ासतौर पर शिमला के पास बादल फटने की घटना में पावर प्लांट और डिस्पेंसरी को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। NDRF की टीम इस इलाके से लोगों को बचाने के लिए काम में दिन रात जुटी हुई है। NDRF के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पर क्लाउड बस यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है जी, और वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और यहाँ पर जो ये इलाका देख रहे हैं मेरे राइट साइड में लगभग 20-25 घर यहाँ पर थे और जिसमें कुछ यहाँ पर पावर प्लांट भी था, हाइड्रो पावर प्लांट, और साथ ही में यहाँ पर डिस्पेंसरी भी थी और कुछ सिविलियन थे, तो उसमें लगभग अनुमानित है लगभग 40 से 42 लोग यहाँ पर वास्तव्य हो चुके हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह वायनाड से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और बात करेंगे। नीरज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो अपडेट्स आप देंगे, बेली ब्रिज को रिकॉर्ड टाइम में सेना ने बनाया है 20 घंटे में, ज़्यादा जानकारी आप देंगे। अभिनव जो तटरक्षक जहाज है उसको भी तैनात किया गया है, किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चल रहा है ऑन ग्राउंड, क्या क्या जानकारी आप देंगे? देखिए, बिल्कुल रिकॉर्ड समय में निखिल उस ब्रिज को बनाया गया है और एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि जिस तरीके से पानी का बहाव आ रहा था और जो इलाका है पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि पुल बह गया था। अब ज़रूरत इस बात की थी कि जो बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं और ख़ास तौर से जो रेस्क्यू में जिन मशीनों का प्रयोग किया जाता है उन मशीनों को कैसे मुंडकई पहुँचाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो असर है वो मुंडकई इलाके में ही पड़ा था इस लैंडस्लाइड का, और जो उसके बाद फ्लड और जो मलबा आया उसकी वजह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं उससे प्रभावित हुए। अभी भी बड़ी एक संख्या है जो लोग उसमें अभी तक मिसिंग हैं। इस पुल को कह सकते हैं कि एक चुनौती थी सेना के सामने कि इस पुल को बनाया जाए, और आप समझें कि 16 घंटे के अंदर इस पुल को बनाया गया। 190 फीट लंबा ये पुल है, करीब करीब 58 मीटर का ये पुल है, और इस पुल को बनाने से पहले एक फुट ब्रिज बनाया सेना ने, और फुट ब्रिज बनाकर तमाम जो बड़ा सामान है जो बेंगलुरु से यहाँ पर पहुँचा था उस सामान को दूसरे साइड पहुँचाया गया, और उसके बाद इस पुल का तेज़ी के साथ बिना रुके बिना थके दिन रात लगातार सेना के लोगों ने काम करके इस पुल को बनाया। अब पुल का जब निर्माण पुल का हो गया उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी तेज़ी आई है, और सेना ने पुल के निर्माण के बाद 4 लोगों को बचाया भी है, वहाँ से रेस्क्यू भी करा है, तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब वेल इक्विपमेंट के साथ रेस्क्यू टीमें घटना स्थल पर पहुंच रही हैं, चाहे डॉग स्क्वाड की टीम हो, इसके अलावा जो बड़े बड़े JCB जो मशीन हैं जो मलबे को हटाने के लिए प्रयोग की जा रही हैं वो मशीनें पहुंची हैं। 24 टन के करीब का वजन ये पुल बहन कर सकता है, और मद्रास इंजीनियरिंग की जो टीम है सेना की उसने इस पुल का निर्माण किया है, और सबसे बड़ी बात है कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल देखने को मिली है यहाँ पर। मेजर सीता, उनके नेतृत्व में इस पुल का निर्माण किया गया, हमने एक्सक्लूसिवली मेजर सीता से बात भी की और उन्होंने बताया कि किस तरह की चुनौती इस पुल को निर्माण करने में आई है, लेकिन उन तमाम चुनौतियों को अद्यम साहस के साथ भारतीय सेना ने पूरा किया और 16 घंटे के अंदर उस वैली ब्रिज का निर्माण करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक नई जान डाल दी है सेना ने।
अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, हालांकि मौसम जरूर प्रतिकूल है, कुछ समय के लिए बारिश रुकती है लेकिन लगातार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीआरएफ और जो सेना के लोग हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी जो ड्रोन रडार भी मंगाने की बात हो रही है, वो भी शायद जल्दी जो रेस्क्यू टीम है उनके साथ जुड़ जाएगा, ताकि उस ड्रोन रडार के माध्यम से ये देखा जा सके कि कहाँ कहाँ लोग मिसिंग हैं, कहाँ कहाँ जो व्यक्ति हैं वो फंसे हुए हैं जिनको निकालने की ज़रूरत है, या जो मलबे में दबे हुए हैं उनको निकाल कर उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। तो ये तमाम रेस्क्यू की अपडेट हैं और सेना और एनडीआरएफ लगातार इस काम में कह सकते हैं कि दिन रात लगातार जी तोड़ मेहनत कर रही है। अब देखना है कि कितनी जल्दी ये ऑपरेशन खत्म होगा, क्योंकि 4 से 5 फुट के करीब जो मलबा है वो अभी भी मौजूद है, जिसे हटाना भी एक बड़ी चुनौती है। जी, तबाही का एक तो वॉल्यूम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये लगातार बताया जा रहा है कि 250 के करीब मृतकों की संख्या पहुंच चुकी है। अब जो है किसी के जीवित होने की उम्मीद ऐसा कहा जा रहा है कि अब बहुत बहुत मुश्किल है। एक लेकिन इसमें एक आशा की किरण ऐसे आपदा के समय में दिखाई पड़ती है, जब ये हम देखते हैं कि कई जो समाज के लोग हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो स्वयं सेवक हैं, वो सामने आए हैं, तमाम जो एनजीओज हैं वो सामने आए हैं मदद के लिए, एक बड़ा हाथ बढ़ाया है। ऑन ग्राउंड आप मौजूद हैं, क्या जानकारी देंगे, किस तरह से देख पा रहे हैं आप इसको? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया था, सबसे पहले वही आगे आए और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर पहुँचे। इस समय तमाम एनजीओ लगातार लोगों की सहायता कर रहे हैं, चाहे उनके खाने पीने की हो, दवाइयों की हो, लोगों को वहाँ से निकालकर एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुँचाने की हो, तमाम जो संगठन हैं वो लगे हुए हैं। आरएसएस का सेवा भारती भी यहाँ पर अपने 1000 जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ लगा हुआ है। लोगों को दवाइयों से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक का इंतजाम है वो आरएसएस का संगठन सेवा भारती है वो कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी आपदा है, इतना बड़ा वैल्यूम है ये इस हादसे का, कि इसका आकलन अभी शायद मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखें कि 3 तरीके से जो लोग हैं इससे प्रभावित हुए। सबसे पहले लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद जो फ्लड आया, और मलबे में बहुत सारे जो लोग हैं वो बह गए, जिनकी डेड बॉडी करीब करीब 40-50 किलोमीटर दूर नदियों के किनारे प्राप्त हो रही हैं। दूसरा, एक वो लोग थे जो इस मलबे का शिकार हुए, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े जो बोल्डर और पत्थर आए थे निखिल, वो ऐसे ही पत्थर थे जो केदारनाथ में आए थे। केदारनाथ मंदिर के पीछे जिस पत्थर का हम जिक्र करते हैं, जिस पत्थर को हम देखते हैं, इसी तरह के बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर पहुँचे थे, और उन पत्थरों की वजह से जो सीधी लोगों को जो चोट लगी उससे भी लोग उनकी जो संख्या है हताहतों की वो बढ़ी है। और एक तीसरी संख्या वो है जो उस मलबे के अंदर दबे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हताहतों की संख्या अभी बढ़ेगी जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज होगा, क्योंकि अब बैली ब्रिज बन गया है, बड़े बड़े इक्विपमेंट और जो ड्रोन रडार हैं वो वहाँ पर लगातार सर्च कर रहे हैं। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि संख्या कितनी होगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहते हैं कि ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आप देखें कि 200 से ज़्यादा लोग अभी तक इस हादसे का शिकार हो गए हैं, 115 के करीब बॉडी पार्ट मिले हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनका डीएनए टेस्ट किया जा रहा है, और अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मिसिंग हैं और मलबे में दबे हुए हैं। जी, निश्चित तौर पर तो ये रेस्क्यू और जो राहत कार्य है ये लगातार जारी है, आप नज़र बनाए रखें, हम आपसे और अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह। वायनाड से जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता नीरज सिंह, उन्होंने जानकारी दी कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल अब इसके बाद बात करेंगे राहुल गांधी का केजरीवाल मॉडल प्रचार किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या है इसके इम्प्लीकेशंस, किस तरह से बीजेपी इस पर रिएक्ट कर रही है, इन सब विषयों पर बात करेंगे, खास मेहमानों को भी जोड़ेंगे। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल, इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात करेंगे राहुल गांधी का केजरीवाल मॉडल प्रचार, आखिर क्या है ये केजरीवाल मॉडल प्रचार। रात में वायनाड से लौटे राहुल गांधी और उन्होंने जो पहली सूचना थी सोशल मीडिया पर वो डाली, और क्या डाली,
वो भी समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन पर ईडी की रेड हो सकती है, सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझ पर ईडी की रेड हो सकती है। राहुल गांधी ने लिखा कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि छापेमारी की तैयारी की जा रही है। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं और एक फेक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया। तो क्या राहुल गांधी भी केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल निकले हैं? ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि एक साल पहले से ही सीएम केजरीवाल सोशल मीडिया पर प्रचारित करते रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और बार बार वो ऐसा कहते रहे थे। अब आशंकाओं को लेकर केजरीवाल विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला लेते थे, आपको अच्छी तरह से याद होगा। संजय राउत राहुल गांधी के आशंका को सही ठहराते हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो उनकी आशंका है वो सही है और इसे आवाज दबाने की कोशिश मानते हैं। संजय राउत कहते हैं कि ये आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से राहुल गांधी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उसके लिए ये उनकी आवाज दबाई जा रही है। भाई अश्विनी वैष्णव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस झूठ की दुकान चला रही है। रेल मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस कभी सेना को नीचा दिखाती है तो कभी रेलवे को नीचा दिखाती है, कभी दूसरे जो एजेंसीज हैं उनको नीचा दिखाती है और इस तरह के फेक नैरेटिव वाली अपमानजनक की राजनीति अब नहीं चलेगी। कोई आरोप है कि कांग्रेस सोशल मीडिया ट्रोल सेना की मदद से झूठे बातें प्रचारित करती है, ये अश्विनी वैष्णव का कहना है। वहीं सुकांता मजूमदार बीजेपी के नेता, वो कहते हैं राहुल गांधी पहले से ही जमानत पर हैं, वो तो पहले से ही जमानत पर हैं और जमानत कैंसिल हो जाएगी तो जेल जाना पड़ेगा, उनकी जमानत रद्द होगी तो जेल जाना स्वाभाविक है, ये जो कोर्ट की वो प्रक्रिया है। और सुकांता मजूमदार का कहना है कि अगर वे भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया है फिर एजेंसी से घबराना किस बात का। राहुल गांधी के चक्रव्यूह का जवाब पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया था। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पहले राहुल गांधी पत्रकारों से उनकी जाति पूछते थे और अब जब लोग उनकी जाति के बारे में पूछते हैं तो उन्हें परेशानी होती है। अगर जनगणना होगी तो राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी पड़ेगी, बिना जाति बताए जातिगत जनगणना पूरी कैसे होगी। तो बीजेपी चारों तरफ से हमलावर है। दरअसल राहुल गांधी अपने ही बनाए चक्रव्यूह में खुद फंसे हैं क्योंकि उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही और उसके बाद जो जाति का सवाल उठा उस पर उन्होंने कहा कि जाति क्यों पूछी जा रही है, सियासत में जाति को लेकर इनका प्रयोग कितना सफल होगा ये लोग जो है वो उन्होंने चुनाव में इसको देखा है। तो राहुल गांधी का ट्वीट क्या रहा है ये सबसे पहले देख लेते हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। चाय और बिस्किट के साथ बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। तो ये रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कांग्रेस झूठ की दुकान चला रही है, कांग्रेस कभी सेना को नीचा दिखाती तो कभी रेलवे को नीचा दिखाती। क्या कुछ कहा अश्विनी वैष्णव ने, आइए आपको सुनाते हैं। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा मालूम है। देखिए 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके साथ आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के ऊपर उनकी दम उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर, आइए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी एक सीज है, जैसे वो पत्रकार को पूछता है तुम्हारा जाति क्या है, पूछते थे ना,
दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर राहुल गांधी पूछते हैं आपका जाति क्या है, मालिक का जाति क्या है, और जब लोगों ने उनका जाति पूछा, बोले भाई हमारा जाति क्यों पूछते हैं, अरे बिना जाति पूछ के जातीय जनगणना होगा क्या? अगर मैं आपका जाति नहीं पूछूं तो जनगणना कैसे होगा? तो ये एक चीज है, मतलब एक मेटल है, ये क्या बोलते हैं क्या करते हैं, बहुत ही एक दिक्कत वाला व्यक्ति है। बोलते हैं मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा लेकिन अपना जाति का नाम नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी जी को तो अपना जाति बताना ही पड़ेगा अगर जातीय जनगणना होगा तो। कहते हैं कि राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी पड़ेगी अगर जातिगत जनगणना होगी, और उस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं, अनिरुद्ध जी बहुत स्वागत है आपका। ज्योति कुमार सिंह जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, ज्योति जी बहुत स्वागत है। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद जी आपका भी स्वागत है। और विनोद जी आपके साथ अगर शुरुआत करना चाहें, ये केजरीवाल मॉडल प्रचार की शुरुआत की है कांग्रेस ने कि एक साल पहले से चिल्लाने लगो, उसके पहले से कहना शुरू कर दो जिस तरह से केजरीवाल ने किया था, कभी विधानसभा का सत्र बुला लो, क्योंकि एक नैरेटिव बताना है कि जो हमने दरअसल संसद में बोला था उसका विरोध करने के लिए सरकार जो अब सीबीआई और ईडी का प्रयोग करेगी। निखिल मैं अगर आप ही की रिपोर्ट से आऊं तो आपने जो केजरीवाल मॉडल बताया है राहुल गांधी के इस बयान को और इस चिंता को, तो ये स्वाभाविक सी आप देखिए कि राहुल गांधी कल वायनाड में थे और राहुल गांधी वायनाड की जो त्रासदी है उसको आपने दिखाया है कितनी भयानक त्रासदी है, और इस त्रासदी के बदले में राहुल गांधी वायनाड से लौटते हैं और पहला ट्वीट वो अगर वो सोशल मीडिया एक्स पे डालते हैं कि जो ईडी के सूत्रों से उनको पता चला है कि उनके उन पर कभी भी रेड डाला जा सकता है, तो स्वाभाविक रूप से आप ये बात कह सकते हैं कि वो इस बात को लेके जो भ्रम फैलाने की सियासत वो पिछले कई महीनों से करते रहे हैं, वो उसकी कड़ी में वो एक एजेंडा लोगों के सामने में दे रहे हैं कि वो ये एजेंडा जो दे रहे हैं, जो पार्लियामेंट में आपने देखा लोकसभा में बोलते हुए डरो मत, तो राहुल गांधी अगर डरो मत की बात वो कहते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं इस चीज से, तो फिर इनको डरना किस बात का है? ईडी आए अगर वो कोई इतने बेफिक्र रहे कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो लेकिन सवाल ये है कि उनका सूत्र तो बताता है कि ईडी की कभी भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उनका सूत्र ये नहीं बताया होगा कि ईडी की कार्रवाई आज हुई। बाबू सिंह कुशवाहा 10,000 करोड़ रुपए का एनएचआरएम घोटाला आपको याद होगा जी, बसपा के राज में, और आज आप देखिए सपा के वो सांसद हैं अभी, आज उनकी लखनऊ में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है ईडी ने जब्त कर ली है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जो मुहिम है, वो मुहिम को किस तरह से मजबूती से, चाहे कोई भी भ्रष्टाचार का जो जीरो टॉलरेंस है उस जीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई के विरोध में, इस कार्रवाई को लेके आप अगर नैरेटिव पहले से बनाना शुरू करेंगे तो शायद इस देश को आज ये बात पचने वाली नहीं है। ठीक है ज्योति जी, किस तरह से इसको देखना चाहिए कि क्या ये एक पहले से नई तरह की रणनीति गढ़ने की कोशिश कर दी है कि एक फेक नैरेटिव बनाओ, या केजरीवाल के मॉडल पर पहले से कहने लोगों, पहले से चिल्लाना शुरू कर दो ताकि अगर कभी कार्रवाई होती भी है तो कहा जाए जी हमने तो पहले ही कह दिया था, तो कर नहीं तो डर कैसा, बात ये हो रही है। तो डर कौन रहा, डर कौन रहा, डर तो भारतीय जनता पार्टी रही है, उनको तो पता है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि राहुल गांधी 140 करोड़ जनता की कैसे उनके बारे में सोच रहे हैं रात दिन, उनको तो डर है कि इनको एक्सपोज कर रहे हैं पार्लियामेंट से लेकर रोड तक। आपने विनोद जी ने भी बताया कि वायनाड गए, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री चले गए, क्यों नहीं प्रधानमंत्री चले गए और आके कुछ बोलते? प्रधान राहुल गांधी जब वहां थे तो राहुल गांधी ने बोला कि दिस इज नॉट द टाइम टू डू पॉलिटिक्स, आई विल नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, आई विल ओनली टॉक अबाउट दिस पीपल जो सफरर हैं, जो इससे आहत हुए हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला और आपके चैनल पर भी मैंने देखा जी। जहां तक बात करते हैं ईडी की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं जाति जनगणना की बात करता हूं और ये प्लान करते हैं कि मुझे ईडी से घर भेजकर मुझे चुप करा देंगे, मैं लोगों के हक की बात करता हूं ये मुझे ईडी से भेजकर सीबीआई भेजकर चुप कराने की बात करते हैं। आपने नाम लिया दिखाया, आपने स्टोरी में दिखाया वैष्णव जी का आपने दिखाया, और वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक फेक चलाती है। वैष्णव जी आप
जरूर बन गए हैं रेल मंत्री, लेकिन आपको शायद उन लोगों की बात याद नहीं है कि जब दो दो लाल बहादुर शास्त्री और इनके ही अलायंस के पार्टनर नीतीश कुमार जी ने रेल हादसे पर इस्तीफा दे दिया था। अगर आपसे इस्तीफा मांगा जाता है तो आप इस तरह की अनर्गल बातें करके लोगों को भड़का रहे हैं। और मैं तो नीतीश कुमार जी से पूछता हूं कि आप जब आपने रेल हादसे पर इस्तीफा दिया था तो क्या आप अपने अलायंस पार्टनर के रेल मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? और इनका इतिहास दो सालों में हर महीने 3 डिलेलमेंट हो रहे हैं, पैसेंजर सेफ्टी के नाम पर झूठ बोले जा रहे हैं। 7 जुलाई से 2021 में रेल मंत्री बनाइए और पिछले चलिए आप अगर रेल के आंकड़ों की बात करेंगे नहीं तो आंकड़ा तो मैं भी पेश करूंगा। फिर देखिए 68% 10 वर्षों में कंप्लीट करने चलिए फिर आप चलिए कह लीजिए जरूर कहिएगा कह लीजिए ठीक है। अब पिछले 3 सालों में हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन 1 मालगाड़ी डिलेल हो रही है। 7 जुलाई 2021 से 17 जून 2024 तक 131 ट्रेन दुर्घटना हुई। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा पैसेंजर ट्रेन बिल्कुल डिलेल हुए, 28 मालगाड़ी ठीक है। ज्योति जी कितने लोग मर गए? ज्योति जी मैं अप्रिशिएट करूंगा। ज्योति जी बोलते हैं छोटी मोटी नहीं सर माननी चाहिए। किसी ने रेल मंत्री आपको सर माननी चाहिए और आप 21 लोगों की हत्या मर जाते हैं दुर्घटना में और आप कहते हैं कि वो छोटी मोटी घटना है। अच्छा आप इस समय और आपके ऊपर तो क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए कि आप इस तरह की बात करते हैं। ठीक है जो कवच के नाम पर आप लोगों को ट्रेन पर बैठाते हैं और डिरेल करा होता है और आप पर ध्यान नहीं देते हैं। अब बात तो सुनिए, जब मौत हो जाती है तो आप कहते हैं कि छोटी मोटी घटना है। अरे वन वे ट्रैफिक बंद बनाइए, आपको इस तरह की भाषा ठीक है संसद में बोलने की? ज्योति जी वन वे ट्रैफिक बंद बनाइए। मैं जो कह रहा हूँ कि क्या जिस तरह से आपने इतने जोर जोर से बोलकर 2014 के बाद का आपने बताया है, क्या उससे पहले के आंकड़े आप देंगे? 68% रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है। और आप भूले नहीं होंगे, कोई दर्शक नहीं भूले होंगे जो हर हफ्ते पहले ट्रेनें उलट जाया करती थी, तब से अब में कितना परिवर्तन आया है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं रेल मंत्री को डिफेंड करने के लिए यहां नहीं बैठा हुआ हूं, लेकिन 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 नहीं नहीं अब 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 एक स्टेटमेंट बस एक स्टेटमेंट मैं पूछता हूं। आप बोलेंगे कि 1940 के पहले तो ट्रेन नहीं थी, 1800 में तो ट्रेन नहीं थी, तो उस समय क्या सेफ्टी और अभी के सेफ्टी में बिल्कुल कंपैरिजन तो किया जाएगा? आपको कंपेयर कीजिए नहीं 10 साल पहले का 1853 का, अगर आज की 1853 का 1853 का कंपैरिजन नहीं है ये सवाल पूछेंगे 1853 का कंपैरिजन। सवाल पूछने पर इस तरह के अनर्गल बातों से नहीं जाना पड़ेगा। निखिल जी ज्योति जी और कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपके डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा था कि आज रेल मंत्रालय की जो रेल की दुर्घटनाएं उस पर हम चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आपने आंकड़े बयान दिखाया रेल मंत्री का बयान अब सुन तो लीजिए, मेरा कर्तव्य है, मैं इस देश का अपोजिशन पार्टी हूं और मेरा काम है कि दूरदर्शन का जो चौथा स्तंभ है तो विपक्ष के भी वही काम है कि जनता को गुमराह नहीं होने दें सरकार के माध्यम से। ठीक है अब मैं बताता हूं, दरअसल उनका जो स्टेटमेंट था वो अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पुरानी गिरी एक वॉल को किस तरह से सोशल मीडिया पर नैरेटिव चलाया गया इसकी बात उन्होंने कही थी, और उसको आपने ये पूरा जो आप खाका तैयार करके आप बोलने लगे, काश इसके पहले 2004 से 2014 की पोजीशंस भी आपने बताई होती। फिलहाल आज हमारी वो चर्चा का विषय नहीं है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह को जोड़ेंगे। अनिरुद्ध प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि चूंकि राहुल गांधी लगातार संसद में बोल रहे हैं इसलिए ईडी की कार्रवाई की तैयारी उनके ऊपर की जा रही है। निखिल जी सबसे पहले तो ये कि ज्योति जी जो लिख के आए हैं हमें लगता है रेल का ही लिख के आए वही बोलेंगे। बात यह है कि राहुल गांधी जी एक विक्टिम कार्ड कि उनको ये लगता है कि फेक नैरेटिव झूठा नैरेटिव कुछ ना कुछ गढ़ेंगे उसके बाद आएंगे देखो जी हमने ऐसा किया हमको तो ये किया जा रहा है हमको तो उठा के जेल में भेजा जाएगा हमको उठा के यहाँ किया जाएगा ताकि लोग ये फेक नैरेटिव हमेशा नहीं चलता है उनको लगता है कि हम कुछ करेंगे नहीं केवल एक झूठ बोलेंगे। जब जाति की जनगणना की बात वो करेंगे लेकिन अपनी खुद की जाति नहीं बता पाएंगे। हो सकता है कि नेशनल हेराल्ड केस में उन जमानत पे चल रहे हैं कुछ उनके पास ऐसा हुआ होगा उनको लग रहा होगा कि उनके पास कहीं ना कहीं कुछ ऐसा संशय उनको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं जाना पड़े।
ये बात करते हैं कि ईडी और सीबीआई एनआईए ये सारी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं ये काम ऐसा कर रही हैं कि सरकार के पहले के जमाने में हाईकोर्ट ने इन पर कमेंट किया था, तोता बोला था, लेकिन आज चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे उनकी पार्टी जितने भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति जमानत भले कहीं ना कहीं मिल जाती है लेकिन केस वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि फेक केस इन पर लगा हुआ है। वैसे राहुल गांधी जी नेशनल हेराल्ड केस में इतने दिन से जमानत पे हैं, अपने कोई प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि केस गलत है या सही गलत है, वो हमेशा जमानत, तो उनको लगता तो उनको एक है कि विक्टिम कार्ड खेलना, आइए आप झूठ बोलने से होता है मम्मी हमको मारेंगे, कौन मारेंगे अब ये पता नहीं कैसे है क्या नहीं, ताकि लोग उनके प्रति सिंपैथी एक गेन करने का अपने वर्कर के बीच इनके बीच में। मैं निखिल जी अयोध्या का रहने वाला हूं, जिस रेलवे स्टेशन के बारे में बात कर रहे थे वो रियली इनके एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तो बेल्जियम की रोड कोट कर दी थी रामपथ के नाम पे, कितना बड़ा गड्ढा है। उसके बाद में पीआईबी ने फैक्ट चेक करके बताया भैया कि ये नहीं है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पे जो ये था कि ऑलरेडी टूटी हुई दीवार, क्योंकि वो नया रेलवे स्टेशन बन रहा था उसके बाउंड्री वॉल बन रहे थे, उसके बावजूद ये लोग एक फेक नैरेटिव गढ़ते रहते हैं और जब इन पे काउंटर किया जाता है तब ये बिलबिलाने लगते हैं। और उसके बाद जब क्यों नहीं चर्चा की जाएगी, 70 साल आपने काम किया, जब आप कहेंगे कि ये हो रहा तो पूछा नहीं जाएगा 2004 से 2014 तक आप लोग मलाई खा रहे थे क्या बैठ के? आपके यहां हर दिन हर हफ्ते बम विस्फोट होता था, हर दिन कोई ना कोई ट्रेन की दुर्घटना होती थी, हर बैंक में कहीं ना कहीं हर हफ्ते की बड़े बड़े अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट होते चले जाते थे, आपकी महंगाई की दर बढ़ती चली जाती थी, उसकी चर्चा मत करिए। तो आप किस नाम पे लोग कहेंगे ना कि 2004 से 2014 तक जब आपने सरकार चलाई तो यह हुआ, तो आपको किस लिए सरकार चलाने के लिए दिया जाए, उसकी चर्चा मत करिए। केवल ये आके झूठ बोल देंगे कि साहब ऐसा है कि हमें ईडी अरेस्ट कर लेगी, सीबीआई अरेस्ट कर लेगी, फलाने फांसी चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, उसके बाद कुछ बोलिए ना, कुछ कहिए भी ना। ठीक है विनोद जी, आपको लगता है कि जो सियासत का ले लेना चाहिए जी जी, मैं नहीं नहीं बिल्कुल आप दरअसल आपने जो कहा उसका जवाब उन्होंने दिया, मैं एक बार फिर विनोद जी के पास आऊंगा, चलिए आप दे दीजिए, आप बोलना चाहते हैं बोलिए। ठीक है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के इस बात पर मैं कहता हूं, जब मैं कहते हैं कि अपोजिशन पार्टी गुमराह नहीं करने देगी तो क्यों कहती है? वो इसलिए कहती है कि देखिए ईडी सीबीआई एजेंसी इनके अंडर में है, जब अपोजिशन की पार्टियां बोलती है कि आप यहां यहां ये बातें हुई है आप उस पर क्यों नहीं ईडी सीबीआई भेजते हो, तो क्यों नहीं भेजते हो आप चाहे इलेक्टोरल अभी 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 थोड़ी देर पहले अभी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में आपको टोका नहीं प्लीज टोका नहीं आप फिर बोला आप अभी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहस हो रही थी, कोर्ट नंबर 1 में बहस हो रही थी कि उसमें बताया जा रहा था कि मैं मिस्टर भूषण का आर्गुमेंट सुन रहा था, इट वॉज सो रेलिवेंट, वो बता रहे थे कि बताएं आप कि इस देश में जब जब कंपनियां बोलती हैं कि मेरे ऊपर कुछ कुछ जानलेवा जो बचाने की जो दवाइयां हैं उस पर सरकार जो है उस पर चार्जेस लगा रही थी, जब उस पर चार्जेस लगा रही थी और जब मुझसे सरकार का कोई आदमी पैसा मांगता था, जब मैं पैसा दिया तो उसमें क्या किया, जब पैसा दे दिए तो फिर सब ठीक हो गया, फिर वो कोई चार्ज ले, तो उस पर जब ओपोजिशन बोलती है कि आप ईडी सीबीआई वहां भेजे, प्रधानमंत्री खुद बोले अंबानी और अदानी पर बोला कि ट्रक भर भर के पैसा ओपोजिशन को जा रहा है, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने ईडी सीबीआई भेजा, क्यों नहीं भेजा मैं पूछता हूं। ठीक है, सारे केसेजेंसी आपकी है दूसरों को तो मौका दीजिए, मैं ये कह रहा हूं ये ट्रक भर के पैसे वाली जो बात है इसमें भी फेक नैरेटिव है, लेकिन मैं फिर उस पर नहीं जाऊंगा, मैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह के पास जाऊंगा। जी निखिल जी, ये बार बार बोल रहे हैं कि ये ईडी सीबीआई ये तोता ये सारी चीजें इनके जमाने में था, लेकिन आज इनके इतने इनके इंडी अलायंस के इतने पार्टनर इनके जेल में बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी कोर्ट ने ये कहा हो कि आपके ऊपर जो चार्ज फ्रेम हुए हैं पॉलिटिकल वेंडेटा से फ्रेम हुए हैं, कहीं पैसा कुछ नहीं, लेकिन कहीं कुछ नहीं, जमानत किसी न किसी रूप से कोई चुनाव लड़ने के लिए किसी न किसी रूप से इनको सबको मिल जाता है, लेकिन कहीं पे ये कमेंट नहीं, लेकिन जब हाई कोर्ट सुन लीजिए आपको भेजना है ना, तो एविडेंस इसीलिए तो बोल रहे हैं वकील है तो बोल रहे हैं कि एविडेंस एजेंसी को लाना है, आप केस रजिस्टर नहीं
नहीं करेंगे, केस रजिस्टर नहीं करेंगे, चार सीट अगर फ्रेम भाई कोर्ट में चार सीट देखिए ऐसा ज्योति जी एफआईआर एजेंसी थोड़ी क्वेश्चन करती है कि प्रधानमंत्री के बयान पर आप भेजिए ज्योति जी अदालतों पर भरोसा रखिए और जो आपने कहा एफआईआर कर देते हैं, एफआईआर क्वेश्चन अदालत करती है, तो इस तरह से गुमराह कम से कम न करिए। अदालतें क्वेश्चन करती हैं झूठे मामले में, इस तरह से नहीं कि किसी को किसी कोई कहीं भी टांग दे। फिलहाल मैं एक बात नहीं नहीं तो अब आप यही तो कह रहे हैं कि किसी को कोई कहीं भी टांग दे, आपने यही कहा, आपने अभी नहीं कहा। जब किसी पर चार्ज लगाती है ठीक है, आप वहां एविडेंस के लिए अपने एजेंसियों को क्यों नहीं भेजते हैं? नहीं कि ठीक है वहां पर जांच करें, ठीक है आप अदालत चले जाइए, आप अदालत चले जाइए, क्यों नहीं आप अदालत चले जाइए, काम है पुलिस का काम तो जांच एजेंसी नहीं कर सकता। अरे ठीक है मैं चलिए नहीं नहीं इस तरह से इस बात को देखिए ज्योति जी इस तरह से मत करिए कि बाकियों को किसी को मौका ही ना दीजिए। मैं विनोद जी के पास जा रहा हूँ। विनोद जी आपको लगता है कि जो इस तरह के नैरेटिव की बात हो रही है, दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ ये सब ट्वीट इसलिए किए जा रहे हैं कि ताकि उनको डिरेल किया जा सके, पहले से बताया जा सके कि देखिए जी हम तो कह ही रहे थे हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। निखिल देखिए ये सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको ज्योति जी थोड़ा सा सुन ले, हम लोगों ने बहुत धैर्य के साथ उनको सुना है। जो भारत जोड़ो यात्रा से ही आप देख लीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अगर राहुल गांधी से पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री मीडिया हमारी खबर को और हमारी बातों को इतनी तवज्जो नहीं देती है, इसलिए हमने ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। अब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जो उन्होंने एक ट्रेंड बनाया सोशल मीडिया के कैंपेनिंग का, जो आपने इलेक्शन में देखा, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा, बला बला वो सारी चीज़ें फैलाते रहे, कितना उसका प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा ये बताने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस चक्रव्यूह की बात करते हुए अपने लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में एक जिम्मेदारी के रूप में उन्होंने बात शुरू की थी और लोकसभा में जिस बात को लेकर उन्होंने पॉइंट आउट किया था उसी बात का तो अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया था। तो अगर अनुराग ठाकुर के बात से अगर वो इतना तिलमिलाए हुए हैं तो क्या ये सीधा सवाल है, क्या इस देश में गांधी परिवार क्या प्रिविलेज्ड हैं? क्या उनको एक सेंस जो उनका ये बना हुआ है कि हम हैं और हमारे छोड़ के और कोई नहीं है? तो भैया ये कैसे चलेगा कि आप पे सवाल नहीं होगा? राहुल गांधी आज जिस जिस जिम्मेदारी से एलओपी हैं और वो कह रहे हैं कि ईडी हमारे यहाँ रेड डाल सकती है, वो कह रहे हैं कि ईडी ने के सूत्रों से हमें पता चला है, तो अगर इतना ही मजबूत सूत्र उनका है तो विपक्ष के यहाँ जब कभी कार्रवाई होती है तब क्यों नहीं आप उस विपक्ष को बताते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ भी ये छापा पड़ने वाला है? बाबू सिंह कुशवाहा के हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आज जब्त नहीं होती तो सपा के साथ उन्होंने चीट किया है। केरल में वो सीएम के खिलाफ में कांग्रेस के यूनिट वहां धरना करती है कि भैया केरल पे सीबीआई ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है बीजेपी पे सीएम पे। आप बंगाल में धरना करते हैं कि ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आप दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है उसको कांग्रेस ने उसकी शुरुआत की थी, कांग्रेस पहले दिन उसके लिए पीआईएल की बात शुरू की थी, कांग्रेस पहले दिन शराब घोटाले की बात की थी। आज आप कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक है, ये कैसे चलेगा? इस बात को लेकर समझने की जरूरत है। जो बात अभी मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे थे कि आप झूठ की दुकान चला रहे हैं, उस झूठ की दुकान की बात में दम है। सिर्फ सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग और सोशल मीडिया के ट्रोलिंग के लिए आप अगर देश को इस तरह से भरमाएंगे, भ्रम में फैलाएंगे तो शायद देश का नुकसान होगा, आपको क्या मिलेगा ये मुझे नहीं पता। ठीक है ठीक है, मैं चूंकि समय समाप्त हो चुका है इसलिए मैं चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस के पास जाऊं, आपसे विनम्र निवेदन है कि 30-30 सेकंड में अपना जवाब दीजिएगा। ज्योति जी मैं चाहता हूं इस बात का भी जवाब दें जो जो एक जनरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं आपकी जाति पूछी जाती है तो दिक्कत क्यों होती है? कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी कब मना कर रहे हैं? वही तो राहुल गांधी कर रहे हैं कि आप उसका करें तो अनुराग ठाकुर पर प्रश्न क्यों, तो जगह पर बताएंगे फिर अनुराग जात के हैं तो फिर अनुराग ठाकुर पर प्रश्न क्यों आप बताओ ना, फिर अनुराग ठाकुर पर प्रश्न क्यों जनगणना कराने से? राहुल गांधी तो कह ही रहे हो कहां मना कर रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर पर प्रश्न क्यों? ईडी आएगी तो मैं भाग जाऊंगा, ईडी आएंगे तो वो तो बोल रहे हैं कि बिस्कुट खिलाएंगे, वेलकम करेंगे। आप बोलो ना क्यों नहीं ईडी भेज रहे हो जहां विपक्ष बोलती है, आप लोगों क्यों गुमराह कर रहे हो ये बताओ ना। हम तो तैयार है अपना जात जनगणना करवा के अपना जात बताने के लिए, आप जनगणना क्यों नहीं करवाना चाह रहे हो इसका
जवाब दो आप। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इसमें यह जरूर जोड़ा जाएगा कि जब अनुराग ठाकुर सवाल उठाते हैं और वो पूछते हैं तो उस पर फिर क्यों इतना हंगामा मचता है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, देखिए राहुल गांधी जी का जो फेक नैरेटिव है वो धीरे धीरे एक्सपोज होता चला जा रहा है पब्लिक के बीच में, और उनके अंदर डर पैदा होता चला जा रहा है, क्योंकि जो झूठ की दुकान ज्यादा दिन चलती नहीं है और जाति अपनी बता नहीं पा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी ने कभी उनका नाम लेके कहा ही नहीं, पता नहीं क्यों उड़ता तीर उन्हीं को उन्होंने ले लिया। भाई 543 सांसद उसमें थे, वही अकेले थे, तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं कुछ ना लोचा तो होगा ही, तभी उतना वो डर रहे हैं। और उसके बाद में बार बार कभी ये ट्वीट कभी वो ट्वीट, उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो एक विक्टिम कार्ड, एक फेक नैरेटिव, एक विक्टिम कार्ड वो उनका, उनको लग रहा बस यही चलता जा। लेकिन सच ये है कि वो एक्सपोज होते चले जा रहे हैं और खुद वो डरते चले जा रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज बता रही हो डर रहे हैं। ठीक है, तो ये सियासत का जो चक्रव्यूह है ये आगे भी चलता रहेगा, इस पर हमारी चर्चा भी आगे जारी रहेगी और हम इस तरह के विषय बार बार उठाते रहेंगे और आप सबको फिर से चर्चा में बुलाएंगे। आज शायद ये चर्चा और लंबी होती और इस विषय पर अगर हम थोड़ा सा डिरेल ना होते। फिलहाल अनिरुद्ध प्रताप सिंह आपका, ज्योति जी आपका और विनोद मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद ब्रेक हम थोड़ी देर में लेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ये खबर आपको बताएं कि नीट पेपर लीक पर सुप्रीम फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और ये कहा है कि हजारीबाग और पटना को छोड़ करके ये इसकी शुचिता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टमैटिक फेल्योर नहीं माना है इसको, कोर्ट ने पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित माना है। इसको कहा है कि 24 लाख परीक्षार्थी जब इसमें आते हैं तो ये इसको एज ए होल इस पेपर को कहना कि गलत है नहीं है। पेपर लीक को रोकने के लिए कोर्ट ने ढांचागत खामियों को दूर करने की बात कही है और अदालत ने इसे फूल प्रूफ बनाने के लिए SOP तैयार करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है, हजारीबाग और पटना तक ही ये सीमित रहा है और ऐसे में दोबारा परीक्षा की मांग जो है वो ठीक नहीं है और ऐसे में नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया। ये जरूर कहा है कि एजेंसी प्रश्न पत्र बनने से लेकर परीक्षा खत्म होने तक कठोर जांच करे, एक SOP बनाए और किसी भी तरह की जो लीकेज है उसको दूर करे। नीट पेपर लीक मामले की सियासी उफान बनाने की कोशिश भी अब थमेगी ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इस बात का आप लोगों को ध्यान होगा कि जब ये मामला आया उसके बाद से सियासी उबाल सियासी उफान इस मामले को लेकर के पूरे समय तक छाया रहा और इसको लेकर के लगातार एक के बाद एक प्रश्न चिन्ह उठाते गए लोग, इसके बारे में बातचीत करते गए। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं। विकास, अदालत ने सबसे पहले तो अगर इसको ऐसे समझे कि वंस फॉर ऑल कम से कम इस मामले को सेटल कर दिया, क्योंकि सियासत बहुत हो रही थी इस मामले को लेकर के। बिल्कुल निखिल, कोर्ट ने यह कहा कि जो पिछला आदेश था उसमें ही हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया था कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा। इस एक तरीके से आज उन कारणों को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि पहला उस कोर्ट को कहीं नहीं लगता कि जो पूरी जो सैंक्टिटी थी एग्जामिनेशन की वो प्रभावित हुई है, तो शुचिता परीक्षा की पूरी तरह प्रभावित नहीं हुई है। गड़बड़ी दो जगहों पर हुई थी, यानी जो इस गड़बड़ी के जो बेनिफिशियरी हैं, जिन्होंने इस साजिश के पीछे जो लाभार्थी हैं, उनकी पहचान की जा सकती है और इनफैक्ट उनकी पहचान की जा चुकी है। जहां तक CBI का कहना है कि 155 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हो सकते, तो एक बड़ी वजह थी जो री एग्जामिनेशन कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया। इसके अलावा जो दूसरा पहलू है वो ये है कि खुद केंद्र ने कहा था कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए, और इस बार ऐसा क्यों हुआ, इन खामियों को का पता लगाने के लिए एक हाई पावर कमेटी केंद्र ने गठित की है, जिसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अगुवाई में ये कमेटी आगे काम करेगी, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। उसी कमेटी को कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार ने उनको निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से तो वो कमेटी काम करे ही, उसके अलावा वो एक SOP भी पेश करे कि किस तरह से प्रिंटिंग से लेकर जो आंसर शीट्स हैं उनकी जांच होने तक कहीं पर भी गड़बड़ी का कोई स्कोप ना रहे। और इसमें कोर्ट ने यह भी कहा कि खासतौर से जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो इस बार एक कुरियर कंपनी, और ये भी कहा गया कि ई रिक्शा से पेपर्स को सेंटर तक पहुंचाया गया, इस तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के एक पूरा SOP तैयार करे कमेटी 30 सितंबर 2024 इसी साल तक। कमेटी से कहा है कि वो एक पूरी व्यापक गाइडलाइन दे कि कैसे इस बात को न्यूनतम स्तर तक लाया जा सकता है कि गड़बड़ी की आशंका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ना हो। विशेष रूप से इस बार ये नीट में ऐसा कैसे हो पाया, इसके लिए भी वो जांच करें और लूप होल्स का पता लगाएं जो इस बार की परीक्षा में, जिसके चलते लाखों स्टूडेंट्स प्रभावित हुए। तो ये बड़े जो टर्म्स कमेटी के लिए सरकार ने बनाए हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा इन विषयों पर भी कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी।
जी दो दो बातें आपसे जानना चाहेंगे, एक तो एसओपी में किस तरह की अपेक्षा की गई है, क्या कुछ होना चाहिए, एक एक बात ये, और दूसरा थोड़ी सी सियासत पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि जो ये पूरा प्रकरण रहा, ऐसा नहीं है कि पहली बार पेपर लीक हुआ, तमाम राज्यों में होता रहा है और उसके पहले भी होता रहा है, 15-20 वर्षों से हम आप देख रहे हैं कि इस तरह के मामले आते हैं, कार्रवाई होती है, कम से कम राजनीतिक दलों को इस गंभीर विषय पर ये सोचने की जरूरत थी कि सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए, बावजूद उसके इस पर खुलकर और जमकर सियासत हुई। आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस दोबारा, जिसको आपने कहा कि एक तरह से रीटरेट किया आपने फैसले को कि अब परीक्षा नहीं होगी, तो कम से कम ये मामला आप सेटल समझा जाए? बिल्कुल निखिल, जहां तक कोर्ट ने खुद सुझाव भी दिए हैं कमेटी को कि किस तरह से वो ट्रैकिंग कर सकते हैं कि पेपर कहाँ पर है, जो बिल्कुल डिजिटल ट्रैकिंग होती है वो हो, किसी भी तरह से ये पेपर लीक ना होने पाए, इसको लेकर के क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी हमारे पास है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा एक विषय कोर्ट ने कहा कि इम्पर्सोनेशन, जिसमें कि उम्मीदवार की जगह कोई और कैंडिडेट बैठकर भी कई बार एग्जाम दे देते हैं, उसको कैसा पकड़ा जाए, इसमें AI का इस्तेमाल कैसे हो, ये सारे सुझाव भी कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं कमेटी को। दूसरी बात, जहां तक राजनीति की बात है, तो आप CBI की जो जांच है उसको देखें, जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर था उसकी मिली भगत से ऐसा हुआ, तो ये एक सेंटर पर तमाम शहरों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी सेंटर थे एग्जाम के, और इतने ज्यादा सेंटर्स, इतने कोऑर्डिनेटर्स, अगर उसमें से कोई भी लालच के चलते इस तरह की हरकत में शामिल होता है तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए इसको कोर्ट ने यह भी माना कि एक पूरा सिस्टमिक फेलियर नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि जो पूरी NTA का जो तरीका था उसमें बहुत बड़ी खामी थी, उसमें एक सिस्टमिक फेलियर था। एक पर्टिकुलर सेंटर पर जो वहां पर जो 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 ऑब्जर्वर थे, जो इनफैक्ट प्रिंसिपल थे उस स्कूल के, उसकी मिली भगत से ऐसा हुआ तो उसको कैसे रोक पाएंगे? जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो ये समझा जाना चाहिए कि कम से कम मैं समझता हूं कि एक संदेश राजनीतिक दलों के लिए भी है। बिल्कुल, देखिए इसमें राजनीति अलग रखने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से पहले बहुत बार पेपर आउट हुए हैं, और इस तरह का भी देखा गया निखिल, इससे पहले मेडिकल परीक्षाओं में ही आज से पहले भी देखा गया कि पेपर न केवल आउट होते थे बल्कि व्यापक स्तर पर, यानी कि देश भर में वो पेपर स्टूडेंट्स को एक्सेसिबल हो जाते थे परीक्षा से पहले ही। तो इस तरह की चीजें पहले भी हुई हैं, एंड यहाँ इस मामले में, नीट के मामले में अगर आप देखें तो सिर्फ 2 सेंटर तक ये गड़बड़ी रही थी, और इसको समय पर CBI ने ये पूरी जांच करने के बाद समय पर अपनी एक रिपोर्ट दे दी है कि किसी भी परिस्थिति में 155 स्टूडेंट से ज्यादा इसके लाभार्थी नहीं हो सकते, और उसमें से भी अधिकतम लोगों ने वो परीक्षा वो पास ही नहीं कर पाए, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो जो सैंक्टिटी थी वो एग्जामिनेशन की, उस पर सवाल उठाना थोड़ा अनुचित है, गलत है ये कहना कि पूरा परीक्षा तंत्र ही खराब हो गया है या बिक गया है, ये बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम व्यू होगा। इसी के चलते कोर्ट ने भी रीएग्जामिनेशन की बात को ठुकराया। जी जी जी, निश्चित तौर पर सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है, और कहा कि पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाना गलत होगा। बहुत शुक्रिया विकास सारथी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे मणिपुर की, जहां शांति की ओर बढ़े हैं कदम, ये एक अच्छा संदेश मणिपुर से आया है। मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच अमन की उम्मीद जगी है, क्योंकि कम से कम पहली बार वार्ता की मेज पर दोनों समुदाय सामने आए हैं। पहली बार जिरिबाम, जो कि मणिपुर का ज़िला है, वहां पर दोनों पक्षों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और जिरिबाम में दोनों पक्ष आगजनी गोलाबारी को रोकने के लिए राजी हुए हैं कि किसी तरह की आगजनी और गोलीबारी में ना शामिल होंगे, और दोनों पक्ष सुरक्षा बलों का को इसको रोकने के लिए सहयोग करेंगे। ये शांति की ओर कदम बढ़े हैं। मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के जो नेता थे वो वहाँ मौजूद रहे, इसमें स्थिति को सामान्य करने के लिए भी दोनों पक्षों ने काम करते रहने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। जिरिबाम के CRPF ग्रुप सेंटर में कुकी मैतेई के बीच ये मीटिंग संपन्न कराई गई। बैठक में CRPF, असम राइफल्स और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने इस बैठक को संपन्न कराया, और तीनों का अधिकारी वहां पर इस बैठक में मौजूद रहे। इसी शांति बैठक में दोनों पक्षों ने समझौते पर दस्तखत किए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण कदम मणिपुर में उठाया गया। अभी तक एक ज़िले तक ये सीमित रहा है, जिरिबाम तक, लेकिन अंतिम लक्ष्य राज्य में शांति बहाली का है, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री का कहना है। शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए समझौता जो है ये पहला कदम है, और दोनों पक्षों के बीच में अब अगली मीटिंग 15 अगस्त के
बाद होगी। तो 15 अगस्त के बाद अगली मीटिंग फिर दोनों पक्षों के बीच में होगी। जिरीबाम में पहला ये समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने विधानसभा में कहा कि शांति वार्ता के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी रहेंगे जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाएगी। इसको लेकर असम के सिलचर में कई दौर की बैठकें हुई हैं और ये जो शांति वार्ता की कोशिश है ये लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही शांति स्थापित करने को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हिंसा का राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसलिए हालात मुश्किल हो रहे हैं। इसको कुछ एक ऐसे लोग हैं, कुछ तत्व हैं जो इसको इस पर राजनीति कर रहे हैं, और उनसे ऐसा ना करने की अपील की है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए इम्फाल चलेंगे, जहां हमारे संवाददाता एन नंदू सिंह हमारे साथ अब मौजूद हैं। नंदू सिंह, कितनी बड़ी इसको आप समझते हैं कि ये जो जिरीबाम में एक शांति समझौता हुआ, कितना बड़ा स्टेप है? हालांकि ये फर्स्ट स्टेप है, लेकिन कहते हैं कि ये कम से कम एक शुरुआत है और ये एक अच्छी शुरुआत है। यस यस, और ये जो है, जो साइन किया हुआ है, ये फर्स्ट टाइम है। और आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मणिपुर to bring back to normalcy in the state. So at least three resolutions have taken in the Jiribam during the meeting of representatives of Baitei and Mar communities, which were held in a group center, CRPF of Dayapur, Kasar, of course, in Assam. We look forward to have more of such kind of pacts, peace pacts all over the state, so that normalcy can be returned. And the good thing is that the resolutions taken include that both the communities, Maitei and Mar people, they want a peace, and it tells that to bring normalcy and to prevent incidents of arson and firing, they will cooperate with the security forces operating in Assam. And both Maitei and Mar communities, including JDO, Azuka, IPSA, Hericon, and Lichin, which is a very distinct organization in Jiribam, Mar NPI from this Kuki community, and MPC and PTC, they have signed the peace pact. So I think they also said that both Maitei and Mar people agreed to facilitate controlled and coordinated movement. So Mar people, the meeting, because the meeting was presided by DC Jiribam, along with senior DIG, senior SP of Jiribam, DIG of Assam Rifles, commandant of 39 Assam Rifles, and CRPF, 87th Battalion of CRPF were present. So we will take this step as a very big step towards normalcy in the state of Manipur. जी जी जी, बिल्कुल नंदू सिंह, ये एक बड़ा कदम है। तो हमारे बहुत बहुत शुक्रिया नंदू सिंह इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे संवाददाता नंदू सिंह ये जानकारी दी उन्होंने कि ये एक बड़ा कदम उठाया गया, और सबसे खास बात है कि दोनों पक्ष, जो मैथी और कुकी समुदाय के जो आम लोग थे, उन्होंने भी इससे सहमति जताई है। और उनका कहना है कि जो सुरक्षा बल हैं उनको वो लगातार मदद करेंगे कि जो गोलीबारी और आगजनी की जो घटनाएँ हैं उनको रोकने के लिए वो खुद मदद करेंगे, और चाहेंगे कि कम से कम अब जो है वो शांति की राह पर वापस लौटा जा सके। तो मणिपुर से ये एक अच्छी खबर है। इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।